आप ले आए हैं, शहर में इतना अच्छा फ्लैट है, इतने अच्छे अच्छे घर बने हैं अपने, दो तीन घर है, फालतू में आप गांव में ले आए हैं। अरे है अपना बंगला है भाई, कारोबार है बढ़िया, लेकिन बात तो तुम सुनो, यहाँ देखो गांव में आए हैं, बहुत दिनों बाद तो गांव में आए हैं, देखो कितनी बढ़िया रोड बन गई है, यहाँ पहले आदमी पैदल नहीं चल पाता था, खेत देखो कितना बढ़िया बढ़िया हो गया है। हाँ यार, पहले रोड तो नहीं बने थे, कुछ नहीं बना था, खेती बाड़ी देख रही हो कैसे होने लगी, लोग यहाँ की अब आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। चलो वो देखो, देखो कक्का बैठे हैं लगता है। तू ये कई घंटा मलबे बुला यार, कक्का तू तो प्राण ले लिया खवाई। देखा ऐसा है कि सुरती ऐसा चीज हुआ है, बिना खाए साहब मुझे पुटियात रहा था। हाँ, वो तो बात तो सही नहीं है। और एक बात यू बताई गई थी, हाँ, कि जब तक न खाए सुरती, हाँ, और तब तक नहीं आवे फुरती। हाँ है ना। अरे तू, हम ताली बजान थे, तू ताली बजा के सगड़ी झाड़ दी है। अब का खाब दोबारा बना ले। हेलो अंकल जी, कैसे अंकल जी? नमस्ते। अपन अंकल जी आई, पुराना अंकल जी आई ना रे, सखुआ के लड़का है ना जी? अंकल जी मैं उन्हीं का लड़का हूँ अंकल जी। आए सखुआ के लड़का? हाँ अंकल जी, खुशी लड़का है सखुआ के। और हम बच्चे वहाँ चट्टी बन किया। अब ऐसा है जी अंकल जी, यह सब सूट बूट तो हाथ देख के ये लागत है, हम घर पहुँचवा देखना। अरे रुक जी, लागत है की शहर में बढ़िया बिजनेस व्यापार कुछ। बहुत बड़ा बिजनेस है हमारा, फार्म का बिजनेस है अंकल। अच्छा, दोस्त के खा रहा है कक्का? हमारा दोस्त आई है अंकल जी, चार चार नौकर लगे रहते हैं अंकल जी कपड़ा धोने में। अच्छा, हम लोग। हाँ अंकल जी। अच्छा, एसी लगवाए अंकल जी? एसी घर। अरे एसी हवा ली, ठंडा ठंडा नहीं है भाई, गर्मी के टाइम में ठंडा था, बर्फ का नहीं। वही एसी बोला ऐसा है, कूलर कूलर जैसा रहता है भीतरे, भले एसी लगा हो। हाँ। पर बहिरे तो सारा डीसी लगा रहा था। हाँ। है ना। हाँ। और हुआ का काम चला था? बस प्लेट फार्म वाला, प्लेट फार्म, गाड़ी साफ सफाई, रेस्टोरेंट, डीजे वगैरह सब कुछ करते हैं अंकल जी। हाँ। वो कह रहा है प्लेट फार्म सफाई करी। हाँ तो हो गए दोस्त, किसका है? बहुत पैसा कमाता हूँ अंकल जी मैं। हाँ, साफ सफाई में पैसा तो आइए अंकल जी। हम यहाँ कहते रहे तो का एक घर पहुँचवा दे। मेहरिया से दूरी रहो हमारे तुम। हाँ हो गया, आप भी गाँव जैसे बन गए हैं। अरे तो हम पुरान यहाँ के आदमी है अंकल जी, ये हमारे पुरान दोस्त है। हम लोग चड्डी पहनकर पोखरी में कूदते थे, पोखरी चढ़ने जाते थे, हम अंग्रेजी बोल रहे थे। गाँव आ गए है कुछ यहाँ रहा के मन है के पुल उठी जावे? नहीं अंकल जी, अब तो हम तो यही सोच रहे थे अंकल जी। हाँ। के यहाँ दो चार ये जो खेत है आपका। हाँ। ऐसे खरीद लेते हैं और यही अपना एक नया रोजगार चालू करते हैं, बिजनेस बिजनेस अंकल जी। देखा दादू ऐसा है, जमीन बहुत महंगी है। अरे नहीं जमीन अंकल जी, खरीदे तोहरे बस के बात नहीं आए। अरे अंकल जी, मैं अपने यहाँ 15 डिसमिल जमीन खरीदा अंकल जी। ये जो जमीन है ना। हाँ, इसे बहुत धू धू रुड़ा थी। हाँ, बस खांसी सर्दी जुकाम सब कुछ हो जाता है। अब देखा जैसन यहाँ खेते में कितनी मेहनत पड़ती, अब हम तो दिखाई खेते कही कितनी मेहनत पड़ती। चलिए अंकल जी। है ना, अब हो गया, मैं भाई के साथ हूँ अंकल जी। देखा तो हम दिखाई थे अपने यहाँ जमीन कुछ पड़ी है तो हम देखा तो हम दिखाई। हाँ अंकल, ये देखा ये जो जमीन पड़ी है ना, काहे पड़ी लागी? ये जेकर जमीन ही आए। हाँ अंकल जी, ओके लगे पैसा नहीं आए कि वो जुताई ले बोवाई ले, कैसे मैसे कहाँ से बिचारा? अरे तो मेरे पास पैसा है ना अंकल जी। ये तो का सुधियावा रे, कहा हम वजह छोड़ कर चड्डी बन के झाड़े हुई आवाज रानी के दिमाग। सुधियावा कहा अंकल जी, ये दतनीपुर कुधर करिए, मेरी मेहरिया भी है साथ में। अंकल जी इसकी प्राइस कितना है, मतलब कितना लग जाएगा, कितने करोड़ लग जाएगा? मैं इसको अभी अभी कितना भी होगा ले लेना है। देखा ऐसा है कि वो बिचारे के लगे घरों द्वार नहीं आए, जमीन बेची। दावा कहा का हम? हाँ। जब छोड़ कर हन ना। हाँ। रोज झाड़े हुए खेती में आवाज रहा।
झाड़े हुए। अंकल जिसको बोलिए ना दत निपोरी ना करे, मेरी मेहरिया साथ में है, ये झाड़ा हगा फूल पला बता था। बचपन के बाद देख भले लगोटिया आ रहा है, एक दूसरे के लगोट पहन रहे हो। ऐसा है कि हम पंचे तब वो लड़का मारत रहा ना, देखा क्या कुछ बोला था हम लपट बाजा रहा। मान ली अंकल जी मैं इसके साथ यहाँ हगने आता भी था तो इसकी चड्डी देखी मेरी चड्डी देखी ऐसे हो गए हम लगोटिया यार। उसको देखे सब मोटा मेरा पतला सारे तहका पंचन के हम जगिया निहारी। अब ये क्या बात कर रहे हैं, ये दुनिया भुइया ले आए हवा के वो जगिया दिखावे आए हैं। जमीन लेने आए हैं आप दिखाइए। हाँ सुना हम तोहका बताई थे वैसे जमीन बहुत महंग तहैया है। दूसर बात जमीन माँ किसानी कर बहुत से ज्यादा महंग है। तो बताई ना अंकल जी मैं सुनना चाहता हूँ कैसे होती किसानी। अंकल जी देखा पहले जुताई फिर ओकर बुवाई अंकल जी सिंचाई अंकल जी कटाई अंकल दहाई इतने प्रोसेस होते हैं। हम बच्चे कर बताई तो हम बच्चे कर बहुत धूप लागल अंकल। अच्छा चलो छाए हम बैठ के बात अंकल है ना। आई हाँ तो अंकल जी अब बताइए अपना का है यहाँ के सिस्टम। देखा जब हम बतावा रहना खेती में कितनी मेहनत पर थी जी अंकल। जमीन खरीदा तो सस्ता है हाँ, खेती करम महा। अरे अंकल जी ऐसी नहीं है बात, काम करे सब काम, पैसा फेंको खेती हो जाएगी अपने आप। ऐसा नहीं देखा पहले खेत के जुतावे को परत है हाँ अंकल जी। फिर पानी दे को परत है जो उन्हें को पलेवा कहा था हाँ अंकल। फिर पुनो का जुतावा हाँ अंकल। हर पटा लगवाबा जी अंकल। फिर बुबाबा हाँ अंकल। फिर पुन तीन चार बेर सिंचाई करावा हाँ अंकल। फिर कटाई करावा फिर गहाई करावा तब जाए के अन्न गल्ला आज मिलत है। और पता है मिजाई हो वो हम करी थी मिजाई उजाई थ्रेसर लगावे पड़ा था। अरे लाइट बिजली अरे तो अंकल जी पैसा ऐसे फेंकेंगे ये सब हो जाएगा अंकल जी। हर ऐसा नहीं हो हर चीज पैसा ही काम नहीं देता है। शहर में सब काम पैसे से ही होता हम है। हम लोग पैसे कभी नहीं कमाते। वो अंग्रेजी बोले सीखी गए अंग्रेजी हाँ वो सीखी गए हाँ। तो हम ये कह रहा हाँ कि हम हर चीज पैसे नहीं होता हाँ। ना पैसा आता वो कमाने यहाँ देख हम बच्चे दाना उगाई थे दाना खाई थे के सब जने दाना खा था हाँ। पैसा क्यों नहीं खा यही निकालना है पैसा से सब कुछ नहीं है। हम लोग भी अंकल जी दाना खाते हैं लेकिन पैसा से खाते हैं हाँ। पर यहाँ के किसान मवेशी से परेशान कक्कू पता है ओके मेरे युवक मोबाइल में दिखे रहन उधका प्लास्टिक प्लास्टिक के धोखा बनावत रहे हम बच्चे पता है भाई गाँव उगाई थे देसी खाना खाई थे सुन हाँ भाई देह लागत है देख लमा शरीर कैसा ही तो शरीर कैसा ही कक्कू देख रहे हैं हम बच्चे कैसा हन आई मतलब भाजी और यह कैसा है भाई। हम लोग जिम करते हम लोग देसी खाना नहीं खाता है हम लोग फरुआ चलाते हैं हम पारे हैं भाई भाई देखा ऐसा है कि तोहका वाइन के बिजनेस थी पकड़े हैं यार यहाँ तो बहुत मेहनत है देख रही उनकी लंबी लिस्ट है प्रोसेस देख रही हो कैसे करते हैं। हम लोग का वही ठीक है जाके पैसे दो अन्न मिलेगा तुरंत खा लेंगे ऑफिस में जाना फिर आना खाना पीना बस कोई मतलब नहीं है अपना शहर ही ठीक है और शहर ही चलेंगे। अंकल जी समझ में आएगी तुहरे हम जानर रहन है शहर के लोग गांव में नहीं बिता सकता है। कहा था कि गांव के लोग इनके मन में कहा है गांव के लोग अनपढ़ हो था कमार हो था एकदम सही है। नहीं पता है कि हम बच्चे दाना अन्न उगाई थे अन्न का भाई उगाई थे भाई हम बच्चे अन्न का खाई थे इन लोग हमसे बच्चे से खा था सगल दुनिया उभय अनाज उभय अनाज दुनिया खा थी जितने नेता मंत्री प्रधानमंत्री सब अनाज खाते थे बच्चे उगाई थी गमार समझा था यहाँ पर गमार कुछ नहीं होता लोगों की किस्मत होती है और हम अपने किस्मत का खाते हैं अंकल जी। ऐसी देखा हम तो का बताई किस्मत कुछ नहीं होए फर्क होता है खुदा और फकीर में फर्क होता है किस्मत और लकीर में और किसी को चाहो अगर वो ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में है ना। वो तकदीर की बात होती है सबके तकदीर में ये खेती किसानी नहीं होती है ठीक है अंकल जी समझ में हाँ
हम लोगों का शहर में ही शहर ही ठीक है अंकल जी। निकल ले निकल ले कहान। चलो 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 अब यह कहान। अरे निकल ले जगह नहीं है। हमारा बजन काम ऐसा ही है जा लेकिन हम जान रहे हूँ जान रहे लेकिन जौन है सोच रहे कि गांव के लोग बेवकूफ होते हैं। हम बेवकूफ बना के भूया खरीद ले इतना लंबा हम इनका प्रोसेस बता दी है कि गांव के लोग इनका चक्कर घन्नी कस घुमाए दी। गांव के लोग भले शहर वाले सुन गांव के लोग भले कम पढ़े होता लड़े बहुत होता बहुत लड़े होता है ना। और शहर वाले हम गांव वाले का कहा जाने बतावत हमारे शहर वाले बनन का नहीं आए हम गांव देसी बॉय पंचे गांव के रह गांव के भूया माल गल्ला उगाब गांव में गांव में यही धरती में हवा ले शहर के वही हमारे गांव में हमारे गांव का आखी देख हमारे गांव की जमीन हम आखी निकाले भी है मेरे की बस केहू को मेरे अपने गांव आवे न दे शहर वाले नहीं आवे शहर वाले बिल्कुल गांव नहीं आवे देखा चल चल हो जाए।